नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। आपको बताते हैं कि हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था और उसको लेकर यमुना से लगते जो गांव है, चंद्रव है और गढ़पुर टापू है और नगरी आदि दर्जनों गांव में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जो फसलें है वो बर्बाद हो गई थी और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे साथ किसान युवा नेता मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के उप युवा प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं भी कितना नुकसान हुआ और क्या अभी तक अधिकारी यहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, उसको लेकर हमारे साथ हैं भरत मडान जी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भरत मडान जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था तो काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप हमारी हर आवाज़ को बुलंद करते हो, सरकार तक पहुँचाते हो सर। ये सर जो 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था सर, इससे ना हमारा चुगामा, हंसुमाजरा, गढ़ी बिरबल, चंद्राओ कम से कम 2 दर्जन गांव इससे ग्रसित हुए हैं, जिनसे कम से कम ज़्यादा तो नहीं सर, बाजे बाजे गढ़ पर में तो 90% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं जो जमुना वाली साइड थी उसको। यही है कि सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे मुख्यमंत्री जी से भाई इनका जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवा के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का काम करें। और दूसरा, चलो ये तो फ्लड का था और बरसात की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे लोन है लिए हुए, बैंकों की किस्त हैं, उनमें भी किसी भी तरीके से उनमें भी राहत का काम देने का कार्य करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना किसान की हालत बहुत खस्त हो चुकी है। इस तरीके से पानी छोड़ा गया था यमुना में, क्या पानी अभी तक कंट्रोल हो पाया? हाँ जी सर, पानी छोड़ा गया था, वो अभी तक उतर गया है, काफ़ी पानी उतर गया, पर लेकिन पानी भी इस तरीके से छोड़ा गया कि जो नहरें थी हेड से सारी नहरों का पानी बंद करके हमारे यमुना नदी में छोड़ा गया था। इसके कारण ये बेगी यमुना नदी का मुआवजा नहीं है, उचित फिक्स मुआवजा नहीं है। जैसे नहर का फिक्स मुआवजा है, नुकसान हो गया तो सरकार उसका भरपाई करती है, इसका यमुना नदी का फिक्स उचित मुआवजा नहीं है जो फिक्स हो सरकार। तो कितनी फसल खराब होगी? लगभग सर 70% फसलें खराब है, जिसमें घास भी है, पशुओं का चारा, सब्जी जो भी है वगैरह सारी फसलें, गन्ने तक भी नुकसान है सर। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? सर प्रशासन का अधिकारी कल डीसी साहब आए थे चंद्राओं में, 6 बजे के करीब पता लगा, तभी डीसी साहब आए थे। बीडीपीओ साहब भी फोन करने के बाद, जब डीसी साहब के पास फोन किया 2 बजे 3 बजे बीडीपीओ साहब आए, एमएलए साहब भी आए थे, में भी आश्वासन दे के गए हैं कि आप पहुंचते उसे मुआवजा दिलवाने का कार्य करेंगे। तो जिस तरीके से फसल काफी खराब हो गया है, इसके बारे में आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखते हैं सर, अगर सरकार इसके प्रति को उचित कार्रवाई नहीं करती तो फिर उसके लिए तो आगे की रणनीति देखते हैं अभी क्या बनती है। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे, अभी गिरदावरी जल्द कराई जाएगी, किसानों का जो मुआवजा हो वो भी दिलवाई जाएगी। अभी सर उन्होंने 3 दिन के लिए पोर्टल खोला है खराब फसल के लिए, भी 3 दिन में अपना पोर्टल कराओ और फिर उसके पटवारी और कानून को उसकी शनाख्त करके आएंगे भी क्या है सच्चा या गलत है। बिल्कुल, ये थे भारतीय किसान यूनियन के भरत मडान, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना, जिस तरीके से यमुना के फ्लड से आने से जो किसानों की जो फसल है पूरी तरह से जो बर्बाद हो गई है उसकी भरपाई सरकार ने जल्द से जल्द करनी चाहिए। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस तरीके से गुजारा चल रहा आप लोगों का, इतनी फसलें बर्बाद हो गई है, पहले बेमौसमी की वजह मार झेलनी पड़ी, अब पानी की मार झेलनी पड़ी है। गुजारा तो करना बहुत मुश्किल है जी किसान का, जैसी स्थिति चल रही है खेतों में, पहले तो खड़ी खड़ी फसल जामगी, जीरी लगी लगाई माले बालों में जामगी, ऊपर से जमुना माता का पानी आ गया जी, फ्लड आ गया, वो गारे में धस गई, वो तो बेकार ही है, नष्ट ही है तो एक किस्म से। तो कितना मुआवजे की मांग करते हैं? मुआवजा तो 100% सी है जी, मुआवजा तो इसका। हाँ, तो पिछली जो बेमौसमी से जो बरसात से फसल खराब हुई थी उसकी गिरदावरी हुई अभी? ना जी, कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? ही मांग करा जिसकी 100% इसकी गिरदावरी करा के 100% मुआवजा दिया जाए जी किसानों। और भी किसान है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पूरी तरह से किसान है वो बर्बाद हो चुका है और कगार की जमीन खत्म होगी, एक निजी जो सी रह भी रही वो अब नहीं बिकती, थोड़ी बहुत अरे रकबार हो गया सबका, और 90% कम से कम है, 90% तो होना चाहिए हमारा, और जल्दी जल्दी करना चाहिए। और जो मारी है जमुना में पानी तोड़े गया, जानबूझ का तोड़े गया, यू क्यों नहरों में तोड़े जाता यू,
नहरों में चले जाता, जानबूझ का सारी नहरों का, तीनों नहरों का जमुना में छोड़ा गया। किसी ने कोई अलर्ट नहीं किया, प्रशासन ने भाई जमुना में पानी छोड़ दिया है, सवेरे पानी का पता लगा भाई जमुना में पानी आ चुका, किसी ने कोई मनियादी नहीं करवाई, कोई पटवारी ने गाँव में भेजा, ऑटोमेटिक ही पानी देखा भाई पानी बढ़ गया का। फिर देखे लोगों ने खेत में जाकर कितना नुकसान हो रहा, नहीं लोगों की मोटर मार ले कुछ ना कुछ सामान बचा सकते अपना, सारा नुकसान हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से यमुना में जो फ्लड से जो नुकसान हुआ किसानों का, उसको लेकर किसान पूरी तरह से चिंतित है, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो फ्लड से जो नुकसान हुआ है, लगभग 90% के करीब लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, और उनकी बिल्कुल मांग ये है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी गिरदौरी कराई जाए और जो किसानों का उचित मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिलवाया जाए ताकि किसान की फसल की भरपाई हो सके। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।